काम जी। यदि इसकी सहायता की ना तो स्वयं की सहायता करने के योग्य नहीं रहोगे। यहां पर कोई भी बाजी की सहायता नहीं करेगा और यह हमारा आदेश है, और इस आदेश की अवहेलना करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा, समझ ला? अगर वस्त्र चाहिए तो इसी हाल में आके ले जाओ। हमें किसी भी स्थिति में शाहूजी तक धनाजी से पहले पहुंचना है। मलारी, ध्यान से सुन। आदेश यह है कि कोई व्यक्ति बाजी की सहायता नहीं कर सकता। यह आदेश मुझ पर लागू होता है, तुझ पर नहीं, क्योंकि तू अश्व है मल्हारी, व्यक्ति नहीं। जा, जाकर बचा ले अपने भाई को। जा मल्हारी, जा। प्रभाकर राव ने जो किया है उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। हम राजसपाई हैं, तारा रानी साहिब की सपत्नी। हमने दीवार के उस ओर से आपकी और तारा रानी की सारी बातें सुन ली। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आप और आपका परिवार तो कुछ समय से ही तारा रानी की बनती है, परंतु हम और हमारा पुत्र वर्षों से तारा रानी की बनती है। पर तारा रानी साहब आपके साथ ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि हमारे पुत्र सांभाजी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, इसलिए। अहोपन, आपके पुत्र तो रानी साहब के लिए भी पुत्र समान होंगे। पांडव भी गांधारी के पुत्र जैसे ही थे, पर फिर भी
गांधारी ने दुर्योधन को उनके साथ युद्ध करने से नहीं रोका। पुत्र जैसा होने और पुत्र होने में बहुत अंतर है। आप तारा रानी साहब को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकती। उन्होंने जो आदेश शाहू जी के लिए आपके पति को दिया है, यदि उस आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो वो आपके पति के प्राण भी ले सकती है। मैंने दाल चावल साफ किए और मैंने अपने हाथों से गाय का दूध निकाला और मैंने और चिमना बाबू ने सब कुछ मिलकर पकाया। आई, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? नहीं, वो तुम दोनों अचानक से एकदम अंदर आ गए ना, तो चौंक गई बस। चल अब खाना खा ले। हो पता नहीं इन्होंने क्या निर्णय लिया होगा। बालाजी कहाँ रह गए? बालाजी, बालाजी, बालाजी। धना जी, उनकी अनुपस्थिति में हमें ये कौन बताएगा कि साहू जी असली साहू जी है या कोई बहरूपिया? आज क्यों हम पहली बार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे थे ना जी? क्यों आज पहली बार हृदय में द्वंद है कि हमारी निष्ठा सिंहासन के प्रति है या देश के प्रति? बालाजी ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी है। जल्दी नर्मदा की तरफ कूच करो। ना मैं भोजन तो ऐसे मिलता है कि लड़ने की इच्छा तो छोड़ दो, जीवित रहने की भी इच्छा समाप्त हो जाए। ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा है दुश्मन का वार खा लिया जाए। कष्ट दोनों में बराबर होता है, पर वार खाने वाला कम से कम वीर तो कहलाता है। इस भोजन को इतनी प्रसन्नता से तो पशु भी नहीं खा सकता। तू जरूर कुछ और खा रहा है। भोजन तो वही है, बस भोजन का स्वाद बदल गया है। इस चूरण के द्वारा। चूरण? भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला चूरण, ये मेरी आई ने मुझे दिया था। ए, इधर आई से मीका देव। ए, इधर ला, बोलो ना इधर ला। छोड़, थोड़ी से चूरन चाहिए। अबे स्वादिष्ट चूरन पर तेरा नहीं मेरा अधिकार है। थोड़ा तो दे दो। चूरन चाहिए? ये ले, ले। ये तो धूल है। जी सही पहचाना आपने, वो क्या है ना, हमारा संस्कार कहता है कि अत्याचारों को धूल चटा दो, पर हमारी संस्कृति कहती है कि अपने मराठी भाइयों पर वार करना उचित नहीं। तो मैंने संस्कृति और संस्कार दोनों का मान रखा, आप पर वार भी नहीं किया और आपको धूल भी चटा दी। शांत हो।
तुमने अपने वरिष्ठ अधिकारी को विष दिया। विष? ये धूल है जिससे उनकी आंतों में घाव हो सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। ये मिट्टी है जिसे गांव के बच्चे खेल खेल में खा जाते हैं। आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको खाकर दिखाता हूँ। तुम अगर विष भी पी लो तो किसी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा बाजी। प्रभाकर राव अधिकारी है और तुम एक सैनिक भी नहीं हो, तुम मात्र बोझ ढोने वाले एक खच्चर हो। तुमने उनके प्राण संकट में डाले, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभाकर राव जी एक ऊंचे अधिकारी अवश्य है चंद्रसेन जी, किंतु इनका व्यवहार बहुत नीचा है। इन्होंने बाजी को अनुशासित नहीं किया, उसे प्रताड़ित किया है। ये केवल बाजी के ही विरोध का असर है कि हर कोई यहाँ पे अपना ही राग आलाप रहा है, परंतु आज हम इस विरोध को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आप चाहे बाजी को कितने भी दंड क्यों ना दे दे चंद्रसेन जी, कुछ नहीं होगा। आपके दंड बाजी के शरीर को तोड़ सकते हैं, उसकी आत्मा को नहीं। भाई दाई, यदि मैं बाजी को दंड दूंगा तो केवल उसके शरीर पर चोट लगेगी, परंतु दंड अगर तुम दोगे तो चोट उसकी आत्मा पर लगेगी। आज मारने वाला भी रोएगा और मार खाने वाला भी। यदि तुमने मना किया तो मैं तुम दोनों को ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आई भी तुम्हारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देगी। उस पर प्रहार करो मल्ला। प्रहार करो मल्ला। नहीं बाजी, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। हमारी मित्रता मेरे हाथ को रोक रही है बाजी। तुम्हें उसी मित्रता की सौगंध, मुझ पर प्रहार करो। प्रहार करो मल्लार। जमुना बाजी। प्रहार करो मल्लार। जो वीर होता है वो युद्ध हार सकता है पर स्वाभिमान नहीं। बाजी शत्रु का वार सह सकता है अपनों का नहीं। मैंने इससे इसका परिवार तो छीन ही लिया, अब इससे इसके मित्र भी छीन लूंगा। आप अवश्य आएंगे। मुझे मेरे बच्चों की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है।
मैं इनके बाबा को जानती हूँ। उन्हें संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने देश से है। उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, पर मेरा हृदय कहता है वो शाहू जी को बचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो रानी साहब मेरे बच्चों को, वो पहले ही मेरे सबसे बड़े बेटे को दूर भेज चुकी है। हम यहाँ स्वयं बंदी हैं, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं राधा भाई? हाँ, यदि आप हमें यहाँ से बाहर निकलने में सहायता करें तो हम आपको और आपके परिवार को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं। और यहां क्या कर रहे हैं? मराठी है, आपको मारने आए थे। शहंशाह आजम ने सही फरमाया था कि आपके अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। शाहू जी, मुगल हो या मराठी, तख्त पाने के लिए इंसान दूसरों की भी जान ले सकता है और अपनों की भी। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा। बख्श का खेमा यहाँ से केवल एक पहर की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता इस संकरे मार्ग से होकर जाता है। आदेश क्या था हमारा? मैंने आपके आदेश का पालन किया चंद्रसेन जी। दे दिया मैंने दंड बाजी को, और उस दंड के निशान आप उसके शरीर पर देख सकते हैं। आपके आदेश का पालन करके मैंने एक सैनिक का कर्तव्य निभाया, अब मैं एक मित्र का कर्तव्य निभा रहा हूं। चाहते हैं कि आप इस दीवार को तोड़कर हमें इस गुप्त सुरंग तक पहुंचाएं। राक्षस भाई साहब, मैं अकेले ही कैसे कर सकती हूँ? यदि आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है तो आपको ये कार्य करना ही होगा। दीवार तोड़ने का औजार और साहस दोनों आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। तारा
क्या रानी साहब का विरोध करके मैं मेरे बच्चों के प्राण संकट में नहीं डाल सकती? आपके बच्चों के प्राण पहले से ही संकट में है राधा भाई। खतरों से बचने के लिए खतरा उठाना ही पड़ता है। हम आपको अपने परिवार को बचाने का मौका दे रहे हैं, बाकी का निर्णय आपके हाथ में है। ताबिर, सच कहें तो हमें बादशाह बेगम की बहुत याद आएगी। हर बार उन्होंने हमें औरंगजेब के प्रकोप से बचाया है। एक सगी माँ से भी ज्यादा प्रेम दिया है उन्होंने। जरा सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब के दबाव में आकर शाहू जी बदल नहीं गए होंगे? मंजर शाहू जी मुगलों के समर्थक बन चुके हैं और हमने अपने और अपने परिवार के प्राण दांव पर लगा दिए हैं। हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इस पूरे संसार में एकमात्र यही देश है जहां पे हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, अर्थात सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो। इसीलिए हम राज्य नहीं स्वराज चाहते हैं। पर इन दोनों में फर्क क्या है साहू जी? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, राज छीनने के लिए बनते हैं, यानी स्वराज बांटने के लिए। राज्य दूसरों की संपत्ति और संपदा पर आक्रमण करके बनाए जाते हैं, यानी स्वराज अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की रक्षा करके। राज की नींव हिंसा पर बनाई जाती है, यानी स्वराज की बलिदान पर। इसीलिए एक अच्छा राजा राज नहीं स्वराज का सपना देखता है। बाजी ने जो कहा था सही कहा था, शाहू जी ही सिंहासन के सच्चे अधिकारी हैं। इतने वर्ष कैद में रहने के बाद भी वो अपने देश अपनी विरासत को नहीं भूले। मल्लार ने मेरी सहायता करने के जो भूल की है उसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए। अब मैंने उसे बता दिया कि बाजी इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी मल्लार के सहारे की जरूरत पड़े। तुमने सदैव अत्याचार का विरोध किया है बाजी, तो फिर आज क्या हुआ? आज अत्याचार के सामने घुटने कैसे टेक दिए तुमने? मुगलों की बात और थी, और तब मेरे पीछे मेरे पिता का बल था। पर अब मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे मेरा स्थान पता है मल्लार, मैं इस सेना का सबसे छोटा कर्मचारी हूँ। और जब तुम सब लोग इनके आदेश का पालन कर रहे हो तो फिर मैं अकेला क्रांतिकारी क्यों बनूं? मैं तो ये सोचता था बाजी कि तुम सबसे अलग हो, पर आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि आप तुम्हारे अंदर किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस ही नहीं है।
तुम्हारा साहस, तुम्हारी क्रांति मुगलों के विरुद्ध युद्ध में रक्त के साथ बह गई है बाजे। जिस बाजी का कमरुद्दीन के सामने शीश नहीं झुका, वो मेरे सामने अपना शीश झुका रहा है। अविश्वसनीय है, परंतु मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है बाजी। क्योंकि कमरुद्दीन हमारा शत्रु है, पर आप मेरे शत्रु नहीं है। आप तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी जो मुझे हर स्थिति का सामना करना सिखा रहे हैं। बस बस, ज्यादा चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है बाजी। और चाहे कितनी भी चाटुकारिता कर लो, लेकिन तुम हमारे साथ युद्ध पर नहीं आ सकते। तुम और तुम्हारा घोड़ा यहीं पर रहकर हमारे आने की प्रतीक्षा करोगे। सब लोग हथियार डाल दो। ठहरिए। हमारे प्राणों की रक्षा करके वो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसके प्राण मत लीजिए। बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र मुगलों की ढाल बने हुए हैं। आप अपने पूर्वजों का बलिदान, उनका संघर्ष भूल गए शाहू जी? लगता है औरंगजेब के किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि जहां से आपको अपनों का दर्द ना तो दिखाई दिया अब ना ही सुनाई दिया। जो रक्त शत्रु द्वारा एक मराठी पर तलवार ताने जाने के बाद भी न खौले, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश का रक्त नहीं हो सकता। आप शाहू जी नहीं, उसके भेष में कोई बहुरूपिया है जिसे हम मृत्यु दंड दे के रहेंगे। शाहू जी को छूने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा तानाजी। वो स्वयं को मनुष्य कहते हैं, उनसे अधिक संवेदना तो तुझमें है मल्लारी। आज मेरे कारण मेरे सभी प्रियजनों को दुख सहना पड़ रहा है। आई बाबा पीयू चिमना, तुझे और मल्लार को भी। आज मैंने मल्लार से जानबूझकर लड़ने का नाटक किया ताकि वो मेरी चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि वो जितना मेरी चिंता करेगा उतना चंद्रसेन उस पर अत्याचार करेगा। आज के पहले मैं सुखी भी हुआ था और दुखी भी हुआ था, कभी अकेला नहीं हुआ था। आज न पापा की डांट है न आई का प्यार, न गोटे आप ही चिमना, जो भी प्रिय थे सब छिन गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया मल्लारी।
चिमना कहाँ है? प्यू चिमना कहाँ है? चिमना? चिमना, चिमना, चिमना क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, लियो जा पानी लेके भाग। हाँ, वो हम तेरे आशीर्वाद लेने गए थे। हम महाराज को पंच प्रतिनिधि से बात करते हुए सुना कि यदि बाबा ने शाहजी को बचाने का प्रयास किया तो दाना जी बाबा को मार देंगे। चंद्रसेन बाबू को अरे हमारा स्वयं हम तीनों को मार देंगे। नहीं रहना, अमिया से ले चल, ले चल। शांत हो जाओ, मिया है ना? शांत। चिमना, चिमना। शाहू जी है या नहीं, इस बात की पुष्टि मात्र हम कर सकते हैं, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व औरंगजेब की कैद में हमने ही शाहू जी को देखा था। आणि हम मन वचन और प्राण से कह सकते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र, छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र, आणि मराठी साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहू जी हैं। इस संसार में यदि कोई है जो मराठी साम्राज्य की खोई हुई गरिमाणी, खोया हुआ वैभव वापस ला सकता है, वो शाहू जी हैं। आपके नेत्रों ने अभी वो नहीं देखा जो हमने देखा? इस शाहू जी ने एक मुगल के प्राण की रक्षा की है। आपने शाहू जी को एक मुगल की रक्षा करते हुए तो देख लिया, पर उस मुगल को शाहू जी की ढाल बनते नहीं देखा। शत्रु को हराना बहुत सरल है, पर उसे जीतना बहुत कठिन। यानी शाहू जी ने शत्रु को जीता है, इसलिए मुगल शाहू जी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। अपने बादशाह के कहने पर नहीं, शाहू जी के प्रेम और मानवता के कारण। बालाजी सही कह रहे हैं, शाहू जी जैसे आलम तरीन इंसान के साथ जो भी रहेगा वो बेमोल बेचा जाएगा। पर आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं बालाजी। आप तारा रानी साहब के आदेश का पालन करने के लिए यहां आए हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप फिर कभी अपने परिवार को देख नहीं पाएंगे बालाजी। सुना था जिस मिट्टी में रक्त बोया जाता है स्वराज उसी में उगता है, पर यह नहीं सोचा था कि वो रक्त हमारे परिवार का होगा। व्यक्ति से बड़ा परिवार, बड़े परिवार से बड़ा देश होता है। परिवार के लिए व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है, यानी देश के लिए परिवार का, फिर वो चाहे हमारा परिवार ही क्यों ना हो।
रानी धना जी, रही बात रानी साहब के, तो उनके राष्ट्र के लिए योगदान का हम सम्मान करते हैं, पर स्वराज योगदान नहीं बलिदान मांगता है। रानी साहब अपने पुत्र के सत्ता मोह का बलिदान करने को तैयार ही नहीं है। राजे ना अच्छे राजा है ना अच्छे बेटे, उनका नियंत्रण रानी साहब के हाथ में, पर जिस दिन बड़े होकर वे स्वतंत्र और निरंकुश राजा बनेंगे तब क्या होगा? एक ना एक दिन तो उनकी डोर छूटेगी, देखना ये पूरा मराठी साम्राज्य हिल जाएगा। ये बात तो आप भी जानते हैं धनाजी। अब निर्णय आपको करना है धनाजी, सब कुछ जानते हुए भी क्या आप शाहू जी पर तलवार चला पाएंगे? यहां हर वस्तु का उपयोग पहले अधिकारी करता है, फिर कर्मचारी और फिर भिखारी। पाकर राव जी, ये सब कैसे हुआ?